देवास हमारे साथ संवाददाता अनिल उपाध्याय। बाबूजी कहाँ जाओगे? बेलापुर, नागपुर, फतेहगढ़, रामगढ़। चल धन्नो, आज तेरी बसंती की इज्जत का सवाल है। देवास जिले की खातेगांव विधानसभा क्षेत्र के ग्राम हरण गांव में भाजपा प्रत्याशी आशीष शर्मा के पक्ष में भाजपा की स्टार प्रचारक फिल्म अभिनेत्री ड्रीम गर्ल के नाम से लोकप्रिय सांसद हेमा मालिनी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अधर्म का धर्म से सिर कुचला है। 2003 से लेकर अब तक 15 साल शासन चल रहा है। बहुत विकास शिवराज सिंह चौहान ने आदिवासी महिला, बच्चे व सभी के लिए किया है। देवास क्षेत्र के बारे में बहुत कुछ सुना है, यहाँ देवों का वास है। इन्होंने कहा, बाबूजी कहाँ जाओगे? बेलापुर, नागपुर, फतेहगढ़, रामगढ़, देखो यहाँ मोटर गाड़ी नहीं मिलेगी कि बैठे और चल दिए, यहाँ तो बसंती का तांगा ही मिलेगा। भाई बसंती के साथ चलो, आपका विकास की ओर ले जाऊंगी। बसंती का अपनी सरकार होगी। हेमा मालिनी ने अपनी फिल्म शोले का फेमस डायलॉग कहते हुए कहा, चल धन्यवाद तेरी बसंती की इज्जत का सवाल है। वोट भाजपा को ही देना, वही नेत्री ने मतदान करके आशीष शर्मा को जिताने के साथ ही भाजपा के प्रदेश में सरकार बनाने की अपील की। अच्छा नहीं लगा यहाँ के व्यापारी लोगों को, वो काम इतना करने को नहीं मिला, यहाँ के आदिवासी लोग खुश नहीं थे, यहाँ के महिलाओं के लिए बहुत तकलीफ थी, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। किसानों के लिए जो काम होना चाहिए था वो सब नहीं हुआ, लेकिन अच्छा हुआ कि जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी का आगमन हुआ, जिसकी वजह से यहाँ भी लोग ने देखे, आप भी उनका हमेशा सम्मान जरूर कीजिए। तो हाँ बाबूजी, कहाँ जाओगे? बेलापुर, नागपुर, फतेहगढ़, रामगढ़, कहाँ जाना है बोलो? देखो यहाँ मोटर गाड़ी नहीं मिलेगी कि बैठे और गर्र से चल दिए, या तो बसंती का तांगा ही मिलेगा। चलना है तो बोलो चलना है। अरे भैया चलो बसंती के साथ, चलो बसंती आपको भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर विकास की ओर ले जाएगी, परिवर्तन की ओर ले जाएगी। और चल धन्नो, आज तेरी बसंती की इज्जत का सवाल है। भाइयों, आप हमारे प्रत्याशी आशीष शर्मा को जिताओगे तो बसंती का सारा सपना जो है उसने जो दिखाया, आपको खुशहाली का जीवन सब नजर आएगा। धन्यवाद। आपको वोट डालना है, आप लोग जरूर जाकर, मैं विनती करती हूँ हमारे प्रत्याशी आशीष शर्मा जी जो कटे गांव के हैं उनको जिताइए, और आगे भी आगे भी 5 साल तक उनको हमारे शासन पर रहने दीजिए, यही कहने के लिए मैं आया हूँ। हाँ जी, भारत माता की जय।